हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे चैनल निशु की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। सबसे पहले हमने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। उसके बाद हम शिमला मिर्च भी लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिए थे। दो शिमला मिर्च हम डाल रहे हैं इसमें। उसके बाद हम प्याज और टमाटर को बॉईल कर लिए थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस को ऑन कर लिया। उस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी अपना एक। उसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे तोड़ कर चार, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम जो कटा शिमला मिर्च रखे थे और डाल देंगे फ्रेंड्स। उसको 2-3 मिनट भून लेंगे। उसके बाद इसमें प्याज और टमाटर जो हम बॉयल कर कर रखे तो वो डाल देंगे फ्रेंड्स। आप चाहें तो ऐसे प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट कर डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मसाला ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच जीरा जीरा मिर्च का पाउडर ऐड किया है इसमें, और 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक हमने डाल दिया। देखिए फिर सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मसाले भून लेंगे अपना। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल दिए थे फ्रेंड्स इसमें। पानी डालने के बाद अपना पनीर डाल दिए थे। उसके बाद हमारा अब पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है। उस पर हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दिया था फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारा चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।